व्हाट्सएप पर लगा हुआ फिंगरप्रिंट लॉक हम कैसे हटा सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। जैसे मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करता हूं, ये देख सकते हैं फिंगरप्रिंट लॉक लगा हुआ है और यहां पे मैं अपना उंगली वगैरह लगाता हूं तो ये हट भी नहीं रहा, इस तरीके से कुछ दे देता है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके व्हाट्सएप से फिंगरप्रिंट लॉक नहीं हट रहा है, तो उसे आप कैसे हटाएंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए नई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाए। तो चलिए, व्हाट्सएप से फिंगरप्रिंट लॉक हटाने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आप भूल भी गए हैं तो लास्ट में आपको बताऊँगा आपको क्या करना है, फिर ठीक है, लास्ट में बेस्ट तरीका बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है जिससे फिंगरप्रिंट लॉक है, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पासवर्ड बायोमेट्रिक्स पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपने पैटर्न वगैरह जो भी पासवर्ड बनाया था वो डाल देना है और यहाँ से आपको ये देखो यहाँ से डिलीट कर देना है, जैसे मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे, या आपने जो भी लॉक स्क्रीन लगाई होगी उसे आप टर्न ऑफ कर दीजिए, ठीक है। जैसे कि लॉक स्क्रीन पासवर्ड जो भी आपने लगाया था, तो आपको मैं अभी बैक जाता हूँ प्राइवेसी में, ठीक है, सॉरी प्राइवेसी में नहीं, अब बैक जाऊँगा मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करूँगा। ये देख सकते हैं व्हाट्सअप से यहाँ से फिंगरप्रिंट लॉक हट चुका है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो हट चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हटा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पासवर्ड वगैरह पैटर्न वगैरह भूल गए हैं तो उसे आप कैसे हटाएंगे, तो आपको अपने मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे पावर वाला बटन और वॉल्यूम डाउन बटन, ये आपको दोनों इकट्ठे दबाने हैं 5 सेकंड या 10 सेकंड तक, ठीक है। उसके बाद आपके सामने रीबूट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने पासवर्ड को सीधा वहाँ से रीबूट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं।